हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ऐसे तीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ एम्युलेटर के लिए, जिससे आपका हेडशॉट रेट बढ़ जाएगा और इजीली आप लोग हेडशॉट मार पाओगे फ्री फायर के अंदर। और जो ये तीन ट्रिक्स है बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रो प्लेयर्स है उनको भी ये ट्रिक्स पता नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, तीनों तीन ट्रिक्स यूज करनी है, ठीक है? आपको एक साथ तीनों तीन यूज करोगे तभी इसका इफेक्ट दिखेगा। अगर एक यूज करोगे या फिर दो यूज करोगे तो इफेक्ट नहीं दिखेगा और आपके हेडशॉट नहीं लगेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट ट्रिक की ओर। तो जो फर्स्ट ट्रिक होने वाली है वो ब्लू स्टैक एक्सक्लूसिव होने वाली है, मतलब अगर आप ब्लू स्टैक यूज करते हो तभी आप ये ट्रिक यूज कर पाओगे। बाकी जो दो ट्रिक है वो कोई भी मिलिटर में चल जाएगी, ठीक है? तो फर्स्ट मैं आपको ब्लू स्टैक वाली दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं जो नॉर्मल है वो वाली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है एडवांस सेटिंग में, ठीक है? और हीटर ओपन करना है, सेटिंग ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखेगी गेम पैड सेंसिटिविटी, ठीक है? इसके बारे में कोई बात नहीं करता और कोई इसका जो वैल्यू होती है वो भी आपको नहीं बताता कि कौन सी वैल्यू रखनी है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी स्मूथनेस में, आपकी जो एम होता है उसका स्मूथनेस इससे ही डिफाइन होता है गेम पैड सेंसिटिविटी से। तो आपको मैं जो वैल्यू दिखाने वाला हूँ वही वैल्यू आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है? तो आपको जो वैल्यू रखनी है वो है 10 लाख, ठीक है? 10 लाख वैल्यू रखनी है, मतलब आपको 1 लिखना है फिर 6 बार 0 टाइप करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू हो गई 10 लाख और आपको यही वैल्यू एग्जैक्ट डालनी है। और जब आप ये वैल्यू डालोगे उसके बाद आपकी जो वाइस सेंसिटिविटी है ना, अगर आपने ये नहीं डाला पहले तो 1 होगा शायद से, या फिर 10 होता है, आई डोंट नो, बट शायद से 1 होता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आपका 1 यहाँ पे गेम पैड सेंसिटिविटी पहले था, उसके बाद आपने 10 लाख कर दिया है, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आपकी जो यहाँ पे वाइस सेंसिटिविटी है ना उसको थोड़ा सा कम कर देना। सो गाइस, आज की वीडियो के स्पॉन्सर है 1xbet, जहाँ पे अगर आपकी फेवरेट टीम जीतती है तो उसके साथ साथ आप भी पैसा कमा सकते हो। आपको बस मैच प्रेडिक्ट करना है ऑफ BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, डोटा 2, वेलोरेंट, CSGO एक्सेट्रा, और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकलती है तो आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा और आप बहुत सारा कैश अर्न कर सकते हो। 1xbet एक बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्थी ऐप है जिसने पार्टनर किया है TSM इंडिया, ESL, VPlay, चैंपियंस ऑफ IPL और फेमस क्रिकेटर जैसे ड्वेन ब्रावो, युवराज सिंह, FC गोवा, बेंगलुरु बुल्स एंड मेनी मोर। और आप 1xbet में इजीली रजिस्टर कर सकते हो विद माय लिंक व्हिच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट विद माय प्रोमो कोड एंड यू विल गेट अप टू 26,000 वेलकम बोनस। सो गाइस, देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, ज्वाइन 1xbet एंड मेक ई-स्पोर्ट मैचेस मोर एक्साइटिंग। जैसे मैंने 2.15 रखी थी तो मैं थोड़ा सा कम करके 2.10 या फिर 2.05 रख दूंगा, ठीक है? इतना थोड़ा सा कम कर देना तो आपकी जो बैलेंस हो जाएगी सेंसिटिविटी और आपका जो एम है वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर नहीं चला तो एक बार वापस से आप रिवाइंड करके देख सकते हो मैंने क्या बोला है। दूसरी वाली जो सेटिंग है वो जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी मिनटर में हो सकती है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है टॉकबैक, ठीक है? और सबसे पहला जो यहाँ पे आइकॉन आ रहा है एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी सूट वाला, उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको होम पे जाना है और उसके बाद आपको एमुलेटर की सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको सीधा नीचे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, वहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्विसेज पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा टॉकबैक, ठीक है? तो इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप पे दिख रहा होगा सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे वर्बोसिटी पे जाना है और यहाँ पे चूज ए प्रीसेट लिखा है उस पे आपको हाई क्लिक कर देना है, ठीक है? हाई चूज करके उसको बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको पिच मिलेगा तो पिच को एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पे मेरा है। उसके बाद यहाँ पे बैक कर देना है और जाना है आपको स्विच एक्सेस सेटिंग पे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको पहले एनेबल कर देना है और यहाँ पे ऑटो स्कैन टाइम है वहाँ पे आपको 0.5 इनपुट कर देना है, ठीक है? फिर ओके कर देना है और जो डिले है उसको 0.1 कर देना है, 0.7 कीजिएगा, और जो नंबर ऑफ स्कैन है वहाँ पे 2 लूप से तो उसको आपको 10 कर देना है, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू एक बार देख लेना, उसके बाद सेम टू सेम इनपुट करना। उसके बाद यहाँ पे नीचे पॉइंट स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, उसको सिर्फ एनेबल कर देना है क्योंकि आपने वहाँ पे चेंज कर दिया है वैल्यू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, डिले भी 0.10 सेकंड हो जाएगा और नंबर ऑफ स्कैन भी 10 लूप्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर नहीं होता है तो आप मैन्युअली कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट सेटिंग के ऊपर, वो भी आप सभी इम्यूलेटर में कर सकते हो, ठीक है? चलो, सो थर्ड ट्रिक के लिए हमको वापस से गेम के अंदर आना पड़ेगा। इस बार हमको जाना है कंट्रोल्स में, कस्टम HUD में, और यहाँ पे जो फायर बटन है ना उसके ऊपर हमको ट्रिक लगानी है। तो उसके लिए आपको फायर बटन आपको ट्रांसपेरेंसी पहले 100 कर देनी है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस एडिटर ओपन करना है और जो इसका यहाँ पे बटन है ना, देखो यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, इसका बटन आपको एकदम टॉप पे रखना है, ठीक है? हमको आप यहाँ पे बीच पे नहीं रखना है, इसका जो की मैपिंग है हमको की मैपिंग इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर रखना है, ठीक है? तो आप जब भी फायर करोगे ना तो आपका जो बटन है फायर बटन है, वो ऊपर की साइड स्लाइड होगा और आपका ड्रैग अच्छे से रहेगा और आपका हेडशॉट भी अच्छे से रहेगा, ठीक है? ये थोड़ी सी एकदम माइन्यूट सी ट्रिक है, ये आपको बीच में नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है?
तो ये तो थी ऐसी तीन अंडररेटेड या फिर अननोन ट्रिक्स जो प्रो प्लेयर यूज करते हैं, बहुत बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स जाननी है अननोन वाली जो प्रो प्लेयर यूज करते हैं और ऐसी वीडियोस चाहिए तो एक वीडियो को पहले लाइक कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मैं बना दूंगा। जितनी जल्दी लाइक करोगे जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तो फटाफट से लाइक कर देना और कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।